الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم الى اخره الايه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم موت العالم موت العالم او كما قال عليه السلام اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام خصوصاً ہم سب کے ہر دل عزیز سرخیل علماء اڑیسہ نقیب ملت خطیب ہندوستان سنگڑا اور اس کے اطراف کے شان آن بان حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری و مفتی سید نقیب الامین برقی زیدہ مجدہم اور اسی طرح پیر طریقت حضرت مولانا حافظ وقاری ذل الرحمن صاحب مد ذلہ اور اسی طرح سرزمین اڑیسہ کے بہت ہی جرأت مند عالم اور مقرر میرے بہت ہی عزیز حضرت مولانا سید سراج الاسلام صاحب ندوی دامت برکاتہم اسی طرح ہم سب کے ہر دل عزیز خوش الہان قاری شہنشاہ ترنم جناب حافظ و قاری بلال صاحب صدیقی غالباً وہ بھی کسی خلیفہ ہیں مجھے معلوم تو نہیں وہ بھی تشریف فرما ہے اسی طریقے سے حضرت فدائے ملت نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ جناب حضرت مولانا قطب الدین صاحب اور میرے تمام علماء کرام سامعین عظام پس پردہ تشریف فرما ماں و بہنیں میں آج کے اس عظیم الشان تعزیتی پروگرام میں یہ کہنے پر مجبور ہوں مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جلسہ سنگڑے میں نہیں ہو رہا ہے سنگڑے کی روایت تو کچھ اور ہے سنگڑے کی تہذیب تو کچھ اور ہے ہم پورے اڑیسہ نہیں بیرون اڑیسہ میں بھی جہاں جانے کا اتفاق ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ سنگڑے میں تقریر اور خطابت کو سنا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اور دیر تک بیٹھنے کا سننے کا ادب و احترام کا جو مزاج ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہے اور کسمبی میں جلسہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے غالباً مودی پور ہے محی الدین پور ہے آگے گوہلی پور ہے پھر اس کے پیچھے چلے جائیے سمل پاڑا ہے سائی پاڑا ہے بنارا ہے لیکن آج کے اس تعزیت کے پروگرام میں میں تو سب سے چھوٹا اور سب سے کم علم عالم تو نہیں مولوی حضرت سے حضرت رحمت اللہ علیہ سے جو مجھے عقیدت انسیت ہونے کی وجہ سے علالت کے باوجود بھی میں اپنی حاضری کو سعادت سمجھا میرے دو رفیق حضرت مولانا اکرام الحق صاحب جو ابھی آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے پھر میرے دوسرے عزیز حضرت مولانا محمد اختر صاحب قاسمی محتمیم جامعہ نور العلوم ٹنڈا کوڑا نینپور وہ جانتے ہیں
कि मैं 9:30 बजे कटक डॉक्टर के पास गया, जो कि एक आंख ऑपरेशन मेरा हुआ था। फिर मेरी अहलिया जिनका हाथ टूट गया था, दोनों कटक गए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद कटक से मैं घर वापस आया। आने के बाद चूंकि ये हुक्म हजरत के दामाद बहुत ही मोतबर आलिम दीन हजरत मौलाना हाफिज फखरुद्दीन साहब कासमी मद्दिल्लहू का इसरार, और फिर मेरे सरताज और हम सब के मुशफिक व करम फरमा सुंगड़े की शान हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरकी साहब कासमी दामत बरकातुम का हुक्म था, तो इस हुक्म को मैं टाल नहीं सकता। दोस्तों बुजुर्गों, सबसे बड़ी खसूसियत हजरत रहमतुल्लाह अलैह के इंदल्ला मकबूलियत की दलील के उनकी वफात जुमा के दिन हुई है। दूसरी मकबूलियत की दलील के उनके जनाजे में उलमाए किराम हुफाज़े एज़ाम की कसीर तादाद और आवाम का इज्तिहाम, ये उनकी मगफिरत की, उनके निजात की और उनके जन्नती होने की दलील है। हम उलमाए उड़ीसा के लिए ये 2 महीने से बहुत ही लम्हा फिक्रिया, बहुत ही गम, बहुत ही अफसोस का मकाम है कि यके बाद दिगर हमारे अकाबिर उलमा अल्लाह की जवार रहमत में चले गए। सबसे पहले हजरत फिदाए मिल्लत के खलीफा तबर्रुक उड़ीसा हजरत मौलाना नूरुल्ला साहब कासमी नवर अल्लाह मरकदहू, जो अभी उनके गुजर जाने के बाद हमारा जख्म सूखा भी नहीं था, हमारा गम खत्म नहीं हुआ था। फिर एक जय्यद आलिम हजरत मौलाना दाऊद साहब गिंदरापाड़ा फकीराबाद, वो हमें दागे मुफारकत देकर दुनिया से चले गए। फिर उसके बाद उस्ताद मोहतरम इखलास लिल्लाहियत के पैकर हजरत मौलाना ज़बीउल्लाह साहब नवर अल्लाह मरकदहू दारुलूम देवबंद के सफीर, वो चले गए। फिर उसके बाद हम सब के मुरब्बी करम फरमा हजरत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी हमें छोड़कर दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला इन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। सारी बातें उनके मखसूस तलामिज़ा आपके सामने बयान कर चुके हैं। यह क्या कम है कि उन्होंने अपने पीछे सदक़ा जारिया औलाद की शक्ल में, औलाद कैसे 5 उनके लड़के हैं, 5 है, सब अच्छे आलिम, अच्छे हाफिज, अच्छे कारी और अल वलद फिरुल्लाबी के मिसदाक इखलाक के पैकर दोस्तों बुजुर्गों। और अभी पता चला कि उनके एक साहिबजादे अमीर शरीयत हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब दामत बरकातुम के खलीफा भी हैं। ये क्या कम है। और तलामेजा का दोस्तों बुजुर्गों शुमार नहीं। आपके सामने उनके मखसूस शागिर्द हजरत मौलाना मुफ्ती सिराजुद्दीन साहब कासमी, जो अभी फिलहाल मदरसा मदीनतुल उलूम के अंदर बड़े मुदर्रिस हैं,
इसी तरीके से हजरत मौलाना गुफरान साहब वो उनके शागिर्द हैं, हजरत मौलाना इकरामुल हक साहब वो उनके शागिर्द हैं, फिर ओडिशा के मुक्तदर और मोतबर उलमा में जिनका शुमार होता है हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब हैं। कितने शागिर्दों का नाम लूँगा, नकीब जलसा हजरत मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब कासमी दामद बरकातुम, हजरत मौलाना ये जो मरसिया पढ़ रहे थे क्या नाम है इनका, जैनुल आबिदीन साहब, खुद उनके दामाद हजरत मौलाना फखरुद्दीन साहब और उनके साहेबजादे लख्त जिगर नूरे नजर हजरत मौलाना खतीब साहब कासमी है। दोस्तों बुजुर्गों ये क्या कम है, अरे ये क्या कम है, उनके लिए तो अल्लाह के यहां जवाब आसान हो गया, लेकिन हम जैसे मौलवियों के पास दोस्तों बुजुर्गों कोई जवाब है ही नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि उनकी मग़फ़िरत और उनकी निजात और उनके जन्नती होने की दलील ये मैं दे चुका हूँ कि जुमा के दिन उनका इंतकाल हुआ है और जनाजे में कसरत इज़्तिहाम इंसानों का सैलाब उमड़ आया है। दोस्तों बुजुर्गों या कोई कम दलील है, अभी बता रहे थे मौलाना नकीब जलसा मुफ्ती आसिफ साहब, मुझे मालूम है सन 1971 में मैं मरकज़ुल उलूम में था, मेरा मादरे इल्मी है और हम सब जिस मुशफिक उस्ताद के शागिर्द हैं वो भी उनके शागिर्द हैं। वो यूपी से आए और आने के बाद सैयदना हजरतुल उस्ताद अमीर शरीयत सानी हजरत मौलाना सैयद सिराजुस्साजिदीन साहब नवरल्लाहु मरकदहु, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर की मुनव्वर से भर दे, ऐसा उस्ताद हर शागिर्द को, वो जिंदगी में उनकी एक ख्वाहिश थी कि मेरा शागिर्द मुझसे भी आगे बढ़े, मुझसे भी आगे परवाज करे, मुझसे भी आगे शोहरत पाए, शायद कम ऐसे उस्ताद होंगे। पहुंचे, हम लोग मौजूद हैं उस वक्त मंसूरपुर खतौली के पास एक जगह है जो नवाबों का इलाका है, जहां अमीरुल हिंद साबिक अमीरुल हिंद दामाद शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब नवरल्लाहु मरकदहु का वतन है, वतन अजीज है। वहां एक मदरसे में इनका तकर्रुर हुआ, चूंकि उसके करीब में एक मदरसे में मैं मुफ्ती अशरफ पढ़े हैं, जब वहाँ से कोई जलसा जुलूस में हम आते थे सुंगड़े से पढ़ के गए थे, उस वक्त हमारी आवाज़ दोस्तों बुजुर्गों नात में पूरे इलाके में, और फिर यहाँ से जाने के बाद सुंगड़ा, लोग सुंगड़े को जानते हैं। अभी दो तीन रोज पहले मैं कल हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब तशरीफ लाए यहाँ आए, हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब दामत बरकात तुमको, ये मेरे रफीक दर से हम सबक हैं, मरकज़ुल उलूम के फैज़ याफ्ता हैं, उनको फ़ोन किया मैं कहा मौलाना दो दिन से फुज़ैल अहमद नासरी एक अच्छे आलिम दीन हैं, महद अनवर में गालिबन व मुदर्रिस हैं, वो किस्तवार हजरत मौलाना ताहिर हुसैन साहब सैयद ताहिर हुसैन साहब गयावी दामत बरकात तुम अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, तो किस्तवार उनका मुनाजरा मुजादला तकरीर और पूरी उनकी खिदमात को वो किस्तवार बयान कर रहे हैं। तो नवा किस्त उड़ीसा स्टेडियम का मुनाजरा आया, क्या मैं बताऊं, बार बार अमीर शरीयत अव्वल अमीर शरीयत सानी का नाम वो लेते रहे, और जो जो जुमला उन्होंने कहा, परसों शाम रात को मैंने मेरे रफीक मोहतरम को फोन कर कहा, मैं कह सुनिए। तो दोस्तों और बुजुर्गों अल्लाह ताला उनकी खिदमात को ऐसा कबूल किया कि 2005 या 7 में वो अल्लाह को प्यारे हुए, आज तक दोस्तों बुजुर्गों फुज़ैल अहमद नासिरी उन्होंने एक जुमला कहा कि मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन चंद जुमला मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयावी की जबानी जो सुना हूं मौलाना सिराजुस्साजिदीन की, मैं तो
अशस करने लगा कि ऐसी शख्सियत और ऐसी जात सरजमीन उड़ीसा के अंदर है कि जिन्हें हम छोटे थे देखना नसीब नहीं हुआ। बहरहाल मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता। कहने का मंशा यह है कि वो हजरत रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए, जब आए मंसूरपुर से तो उन्होंने ख्वाब बयान किया कि हजरत मैं मंसूरपुर में था और उस मदरसे की सरपरस्ती फिदाए मिल्लत मखदूम जहां गश्त सैयदना मौलाना असाद मदनी नवर अल्लाह मरकदहू फरमा रहे थे, उसकी सरपरस्ती वो फरमा रहे थे और निगरानी हजरत मौलाना कारी उस्मान साहब फरमा रहे थे। इसी से अंदाजा लगाइएगा कि उनके नजदीक हजरत मौलाना कारी निजामुद्दीन साहब नवरल्लाहु मरकदहू का मकाम क्या था। ख्वाब उन्होंने देखा, सुन लो, उनके शागिर्द भी सुन लो वो नहीं जानते होंगे इस सवानी हयात को, इस आप बीती को। ख्वाब देखा उन्होंने कि मैं खुशमंडल नदी के किनारे बर के दरख्त के नीचे एक इदारा कायम हो रहा है और मैं हूं और बहुत सारे औलिया अल्लाह अहलुल्लाह उलमाए किराम उसके अंदर मौजूद हैं। वो ख्वाब देखकर यहां आए। अभी बताया उन्होंने, मुख्तसर यह है कि वो जगह कैसा था। वो तो हमारा करीबी जगह और मेरा अक्सर औकात खुशमंडल में गुजरा, इसलिए कि मेरी खाला का वो घर है। आज भी उस घर से मुझे बहुत उनसियत है। उस घर में उस जंगल को उन्होंने मंगल किस तरह बनाया, अगर मैं तफसील में जाना चाहूं तो उसके लिए तवील वक्त की जरूरत है। दोस्तों बुजुर्गों, छप्पर का दो कमरा, अक्सर वो बर के दरख्त के नीचे हजरत रहमतुल्लाह अलैह दर्श दिया करते थे। क्या गलत है मुफ्ती सराफ साहब, गलत है, चले गए, दर्श दिया करते थे। दोस्तों बुजुर्गों, उनके इखलास, उनकी लिल्लाहियत, उनके तवाजो, उनकी सादगी का क्या पूछना था। उन्होंने बेशुमार शागिर्दों को पैदा किया और पैदा करके वहां से दो छप्पर का, और उस वक्त मदरसा मदीनतुल उलूम शाख था मरकजुल उलूम का, और हर नसेबो फराज में हर चीज में मशवरे के लिए हजरत अमीर शरीयत सानी नवर अल्लाह मरकदहू के पास वो और हजरत मौलाना साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचते थे। उस जमाने में जितने उनके मुआसिर आए सब सरकार का घर देखने लगे, सरकार की गुलामी तलाश करने लगे, लेकिन वारे मौलाना निजामुद्दीन कुर्बान ऑफर आया, कई स्कूल से ऑफर आया। उन्होंने कहा नहीं, ख्वाब देखकर मैं मंसूरपुर छोड़कर यहां आया हूं, नवाबों का इलाका छोड़कर आया हूं जहां मेरी इज्जत की सरपरस्ती और रहनुमाई खानवादे मदनी के अफराद करते थे, मैं सरकारी मुलाजिमत नहीं करूंगा। परवान जाइए, उस जमाने में जितने आए सरकारी मुलाजिमत, हजरत अमीर शरीयत सानी आपके तमाम मुआसिरीन सरकारी मुलाजिमत करने लगे। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, जमीन से लेकर आसमान के अंदर जो बस्तियां आबाद हैं, समंदर के अंदर जो बस्तियां आबाद हैं, आज भी अमीर शरीयत सानी रहमतुल्लाह अलैह का गुण गा रही हैं। क्यों? कुर्बान किया उन्होंने, कुर्बान किया उन्होंने। एक जुमला उनके वालिदे मरहूम मकफूर, सब लोग जानते हैं उस जमाने के, वो भी अपने वक्त के वली थे, बुजुर्ग थे। एक जुमला लिखा कि मैंने तुझे इल्म दीन इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू आकर जिला हाई स्कूल पूरी के अंदर मुलाजिमत करे, रिजाइन इसी वक्त दे करा दिया और आई। दुनिया में उनका डंका बजा, हिंदुस्तान के कोने कोने में उनका डंका बजा। हजरत मौलाना निजामुद्दीन ने अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलकर ठोकर मारा सरकार की गुलामी को। हम लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं हमें सुकून नहीं है। मैं अभी भी कह रहा था मेरे रफीक साथ मार रहे कि जितने जल्दी मुलाजिमत खत्म हो। अजीब हादसा है, हमारे जब हम लोग पोस्टिंग पाए थे तो एक औरत नहीं थी, आज मर्द नहीं स्कूल के अंदर नौ नौ लड़कियां, दोस्तों बुजुर्गों कम उम्र की लड़कियां, क्या बताया जाए। मैं तो कहता हूं वो कामयाब हैं,
और हमारा तो मौलवियों का लालच जैसा है, 90,000-80,000 पाने के बाद भी मदरसा खोलो, अंजुमन खोलो, कमेटी बनाओ, सब कमाओ, लेकिन वो नहीं। हाँ छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो, खत्म, बस खत्म कर रहा हूँ, 2-5 मिनट। भाई हजरत का हुक्म है, ये तो जलाली बुजुर्ग है, हुक्म नहीं। सब जानते हैं कुसंबी वाले मौलाना मोहम्मद अली को चाहने वाले हैं, वो तो इस इलाके में अरसे दराज तक अमीर शरीयत सानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहे हैं। तो कहने का मंशा ये है कि सारी चीजों को कुर्बान कर दिया, कुर्बान किया, आज उन्होंने अपने पीछे नियरीना फरमाबरदार सवाले आलिम हाफिज कारी औलाद को छोड़कर गई, छोड़कर गए कि नहीं बताओ, कुसंबी वालों सुंगड़े वाले बताओ, छोड़कर गई नहीं है। आज हजरत मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब का नेमुल बदल, उनकी विरासत पूरे हिंदुस्तान के गली कोचों में। एक बात बता दूं, हजरत रहमतुल्लाह अलैह का जो मिजाज था, हजरत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन बरकी, जिस दिन हजरत का इंतकाल हुआ उनका प्रोग्राम था झारखंड में, मुझे मालूम है, उन्होंने मना कर दिया, वहां से फोन आया कि सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, इतने बड़े आलिम का, मरकजुल उलूम के फैज़ याफ्ते का जनाजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन गए, सबको मालूम होगा, मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता। कहने का मंशा मकसद यह है दोस्तों, कुसंबी वालों, हजरत मौलाना निजामुद्दीन दुनिया से चले गए, उनका वक्त आन पहुंचा, मौत से किसी को मफर नहीं, मौत से कोई बच नहीं सकता, जो दुनिया में आया है वो यकीनन एक ना एक दिन जाएगा, जब खुदा के बाद जमीन व आसमान में अल्लाह ने जिसका मकाम बनाया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने दोस्तों बुजुर्गों कायनात को वजूद बख्शा, जब वो जात आमिना के लाल अब्दुल्लाह का यतीम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं रहे तो हम रहेंगे? हमें भी दुनिया को छोड़ना है, इस दुनिया से जाना है। तो मैं कह रहा था कि मौलाना मशवरा लेने के लिए आए, मशवरा लेने के लिए आए, और संगे बुनियाद अपने उस्ताद हजरत अमीर शरीयत अव्वल और अमीर शरीयत सानी के हाथों रखा। आज दोस्तों बुजुर्गों उस मदरसे के फैज याफ्ता दोस्तों बुजुर्गों उड़ीसा भर के अंदर मौजूद हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, हाफिज हैं, कारी हैं, मुदर्रिस हैं, मुअल्लिम हैं, टीचर हैं, बहुत कुछ हैं। दोस्तों बुजुर्गों मैं आपको बताऊं, उनकी एक खसूसियत थी, मैं ये बात कह के ख़त्म कर देता हूं, उनकी एक खसूसियत थी, वो छोटों से बड़ी मोहब्बत करते थे, छोटों पर बहुत शफकत करते थे। हम जैसे हकीर फ़कीर, हम जैसे कम इल्म, हम जैसे कज फहम, और हम जैसे कोई हैसियत ही हमारी नहीं, हम तो उनके दोस्तों बुजुर्गों जूते के भी लायक नहीं के सर में उठा कर रखे हैं। मैं अपने आप को कहता हूँ, जब मैं मेडिकल से आया, रोज़ाना बाबू अख्तर, अभी सुन रहे थे, वो बाबू अख्तर कहते थे, मौलाना इकराम मौलाना की तबीयत कैसी है, मुझे लेकर जाओ, मुझे पहुँचाओ, मुझे ज़रा दिखाओ मौलाना को। मैं आया, मुफ्ती सिराज चले गए, मुफ्ती सिराजुद्दीन साहब जो उस मदरसे के मुफ्ती भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, और स्कूल के टीचर भी हैं, दोस्तों बुजुर्गों जिस हालत में लेकर वो मेरे घर पहुंचे मैं बयान नहीं कर सकता। मैं रो दिया उनको देखकर, वो तो रोए ही, लेकिन मैं उनको देखकर रोया, मैं कि हजरत आप इस हालत में क्यों है, आपकी दुआएं मेरे लिए काफ़ी थी, आप दुआ वहीं से कर रहे थे। जब बम्बई मैंने फ़ोन किया जहाँ जाते थे, वो लोग कहने लगे अभी बकरीद में हम घर पहुंचे, वो खुद आए मिलने के लिए। और एक बात बता के बात को ख़त्म करता हूँ, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब को कहीं प्रोग्राम और होगा, भाई ये लोग तो ऐसे हैं, इनका दिन में 2-3 प्रोग्राम यकीनन होता है, लेकिन आए देर से, गलती उनकी है। मद्रास जाया करते थे, मद्रास में दो सेठ हमारे इलाके के हैं, बहुत मशहूर सेठ, सत्तार सेठ, उस्मान सेठ, और ये दोनों हमारे अकीदे और हमारे मसलक से इनका ताल्लुक नहीं, लेकिन इनके अखलाक से, इनकी तवाज़ो से, इनकी सादगी से इतना मुतासिर थे कि मैं आपको क्या बताऊं। उस्मान सेठ के छोटे भाई हाफिज अफजल साहब जो मेरे भाई के सड़ू हैं, वो निकाह भी ये मौलाना मोहम्मद अली साहब पढ़ा है कासमी, तो जब उनके निकाह का वक्त आया, अब ये फुलवारी बरेली के छोटे भाई या ये बड़े भाई छोटे भाई, और वो कट्टर दियोबंदी सुंगड़े से उनका ताल्लुक है, तो कहने लगे कि भाई निकाह कौन पढ़ाएगा,
उस्मान जैसा कट्टरपंथी, कट्टरवाद। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में एक मशहूर आलिम कारी हैं जो मेरा उनसे ज़ाती ताल्लुक़ है, मैं बहुत मानता हूँ, अगरचे मैं फुलवारी सिलसिले से हूँ, लेकिन निकाह वो पढ़ाएंगे। तीरन में जाके निकाह पढ़ाए, घर वाले चाहते थे कोई अहले हक निकाह पढ़ाए, लेकिन वो पढ़ाए। उनके तवाज़ो से, उनकी सादगी से, उनके इखलास से, उनके प्यार मोहब्बत से सत्तार से उस्मान से बहुत मुतासिर थे। आज दोस्तों बुजुर्गों, उसका नमूना आपने जनाजे में देखा। कहां कहां से उलमा, कहां कहां से आवाम, दोस्तों बुजुर्गों, इमाम उमड़ते हुए सैलाब की तरह कुसंबी में पहुंचे, जब कोई जगह नहीं मिली, जगह की तंगी थी, लेकिन इज्तिहाम था। तो कहने का मंशा मकसद ये है कि भाई हजरत दुनिया से चले गए, कुसंबी वालों की सरपरस्ती फरमाते थे, कुसंबी वालों की सरपरस्ती फरमाते थे, साल में उनकी सदारत में एक दो जलसा यकीनन होता था। दोस्तों बुजुर्गों, वो चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो चले गए हैं हम उनके मिशन को और उनकी याद को भुला देंगे। पहले अहद करो, आज़म करो कि जिस तरीके से उन्होंने ये सिलसिला अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में जारी रखा था, उसे हम जारी रखेंगे। रखोगे ना तबारक भाई, कहेंगे नहीं हैं पा बैठी ना। हाँ, मौलाना मोहम्मद अली को तो कहते डर के। तो मेरे कहने का मंशा यही है कि दोस्तों बुजुर्गों, सुंगड़ा है, कसम खुदा की कहीं भी दुनिया में जाते रहूं, लेकिन जब सुंगड़े का, मरकज़ुल उलूम का कोई हुक्म पहुंचता है तो सारा बड़े से बड़ा काम को हम ठुकरा देते हैं, पहले सुंगड़ा पहुंचते हैं। उस दिन एक साहब थे, हजरत मौलाना भी थे, बोले कि आप यहाँ जल्दी जल्दी करते नहीं। मैं कह, यहाँ पर रहने में इतनी तबीयत चाहती है कि अगर मुझे 15 दिन भी रखा जाए तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। एक नूरानियत है, अजीब कैफियत है सुंगड़ा सुंगड़े वालों की, वाकई में तारीफ नहीं, ये खूबियाँ हैं सुंगड़े वालों की। तो कहने का मंशा मकसद ये है कि दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला उनकी बहुत से औसा बयान, जिस दिन से इंतकाल हुआ उसके दूसरे दिन से गालिबन कुरान मुकद्दस के ख़त्म का और ताज़ियत का सिलसिला जारी है। कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, उनके शागिर्दों में उनको सबसे चाहने वाले, हर दुख दर्द में, सेहत और बीमारी में ख्याल रखने वाले जनाब हाफिज अब्दुल वहीद साहब, उन्होंने महल्ले के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। ये दो मुकर्रर हजरत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन बरकी, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब को मदऊ किया और इलाके के तकरीबन 100 उलमा को मदऊ किए हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम किए हैं और तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों के खाने का इंतज़ाम है। दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी मोहब्बत करने वाला, हजरत की तबीयत ख़राब हुई, उनकी गाड़ी से ला के यहाँ के छोड़ना, अल्लाह ताला इसका अज्र उनको ज़रूर देगा। वो भी उनके उस्ताद की तरह बहुत ही मुखलिस हैं, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कल हो रहा है, उसमें आप सबको, ख़ास करके कुसंबी वालों को शिरकत की दावत अभी मौलाना अख्तर साहब दिए, वो तो अपने मदरसे में 24 तारीख को है दिए हैं, लेकिन कल सुंगड़ा में, खुशमंडल में जो प्रोग्राम है, और फिर दो हिंदुस्तान के दोस्तों बुजुर्गों मशहूर व मारूफ खतीब वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, आप लोग जाएंगे कि नहीं पहले बताइए। मौलाना से मोहब्बत है, कल देखेंगे, आज तो कुर्सियाँ खाली हैं, कल देख लेंगे आप। इसलिए कि जनाजे में कोशिदा, बीजपुर, चाटरा और गड़ीजंग और सुगनई, निहालपुर, बाबूजंग, खुशमंडल, दुदरा और नक्सपुर, नेमाल वगैरह तक के लोग दोस्तों बुजुर्गों बड़ी था, हम लोग देखते रहे, आते वक्त भी देखे, जाते वक्त भी देखे, औरतें भी बहुत सारी आई, कारी साहब को सब चाहते थे, 45 साल उन्होंने काम किया। बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला उनकी खिदमत जलीला को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला जहाँ जहाँ उनके लिए ताज़ियत और ख़त्म कुरान और इसाले सवाब हो रहा है, अल्लाह ताला उनके रूह को पहुँचाए, अल्लाह ताला उनके तमाम लवाहिकीन को और उनके साहिबजादगान को और उनके आइज़ा अकारीब को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और जो ये खला दोस्तों बुजुर्गों हमसे दूर हो रहा है, अल्लाह ताला उसे पूर होने की तौफीक अता फरमाए। आपसे इखलासाना और मुखलिसाना ये गुजारिश करता हूँ, आप उलमा की सेहत के लिए दुआ कीजिए, ये बहुत कीमती हैं। मौतुल आलिम है मौतुल आलम, हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक आलिम की मौत, एक आलिम का चले जाना, बल्कि दुनिया का ख़त्म हो जाना, दुनिया का मर जाना, क्या बात है, ये कौन कह रहा है।
ये जिसके उसके बारे में कह रहा है जिसके बारे में नबी ने फरमाया वरसतुल अंबिया हैं, ये नबियों के वारिस हैं, ये नबियों के जानशीन हैं। बहरहाल आज की ये मजलिस बहुत ही मोहतम बिशान, बहुत ही बाबरकत, कई खुलफा मौजूद हैं, मैं आपको बताया नहीं दोस्तों बुजुर्गों, सब खलीफाओं का हम जिक्र करते हैं, लेकिन मैं आज सिद्क दिल से बताता हूँ, हज़रत मौलाना मौजूद हैं, हज़रत मौलाना कारी मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन भी हज़रत शेखुल हदीस के खलीफा के खलीफा के खलीफा हैं। वो पीर साहब ने वो बुज़ुर्ग ने हमसे कुछ कहा झारखंड के प्रोग्राम में कि हमने उन्हें खिलाफत दिया है, लेकिन दोस्तों बुज़ुर्गों ये तो मौलाना सिराजुद्दीन साहब के दोस्तों बुज़ुर्गों यादगार हैं, अमीन हैं, उनके वारिस हैं, उनके जानशीन हैं, उनके औलाद हैं, ये कहाँ दोस्तों बुज़ुर्गों ऐलान करने वाले हैं। बहरहाल उनको ज़रूर तकलीफ़ नाराज़गी होगी, लेकिन मैं आज कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़े पीर के खलीफा हैं। सुन लिया सुंगड़े वालों? अरे सुने कि नहीं? नहीं नहीं अभी भी ऐनाद हसद तुम्हारे दिल में है? यहाँ कहते जो काला कबूतर भी नहीं ना सर। अल्लाह ताला हम सबको उलमाए किराम से मोहब्बत करने की और उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, करोड़ों रहमतें उनकी कब्र पर नाजिल फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।